पार्वती जी का मंदिर है जोशीमठ में सिलू ढूंगरा के पास में। अभी हम 1 अप्रैल 2012 में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे स्मृति जी भी है और असवाल जी भी है। देखिए कि यहाँ पर आज इसमें है हो गया अच्छा खाया कितने पहाड़ है, बहुत बढ़िया बढ़िया हिमालय के पहाड़ है यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ पर बहुत बर्फ भी पड़ी हुई है। देख सकते हैं कि आज कितना माहौल बढ़िया है। आज रामनवमी का पर्व है, रामनवमी का दिन है, जिसके लिए हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। और देखिए यहाँ पर भंडार चल रहा है, कितनी लड़कियाँ जो सारे जो पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है बनाने के लिए, सब बना रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है इनके लिए, इनके मन में कितनी शांति मिलती होगी जो कि यहाँ पर कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, कितना बढ़िया, सबको पूरा अपने हाथों से खिला रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। वहाँ पर NTPC का प्रोजेक्ट है जिसका नाम तपोवन विष्णुगढ़ है। 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। और पीछे में जोशीमठ भी है, ये हमारे स्मृति जी है, यहाँ पर सवाल जी भी है। तो आप ज़रा इसको कितना बढ़िया है सलूर की व्यू, कितनी बढ़िया है और कितनी अच्छी है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है और पीछे में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं जो करीबन 6000 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर पार्क है, नंदा देवी पर्वत भी है जो कि करीबन 7500 मीटर की हाइट पर है। सबसे ऊँची चोटी है यहाँ पर पूरे इंडिया में। और यहाँ पर ये राइट साइड में सलूर का गाँव है जहाँ पर जो कि जिसकी यूनाइटेड नेशंस की हेरिटेज है, धरोहर है। और यहाँ पर इसमें जो बहुत बड़े बड़े आप बात भी करते हैं तो उसमें भी वहाँ पर जो आपके बहुत अच्छे अच्छे राजमा उगती है तो बहुत ही मीठी होती है। नीचे में इसके अलकनंदा से ये नदी जो है ये गदेरा जो मिलता भी है। और यहाँ पर ये जो है धारी देवी का मंदिर जिसमें कि पार्वती जी ने यहाँ पर इसी गुफा में यहाँ के पास में बहुत हज़ारों साल तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, ये इसकी यहाँ पर मान्यता है और इसी की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो सब लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं और यहाँ पर अपने पूरा श्रद्धा के साथ में आस्था के साथ में यहाँ पर ये मनाने के लिए आते हैं और अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। और हम भी आज के दिन में यहाँ पर स्मृति जी और असवाल जी और मैं यहाँ पर संजय खेर यहाँ पर आ गए हैं और अपना ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं। और हम पूरा अपने निष्ठा के साथ में और अपना पूरा झुके हुए हैं अपने मंदिर के पास में यहाँ पर पार्वती मंदिर में आ गए हैं जोशीमठ में। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, रामनवमी का दिन है और आज के रामनवमी के दिन में ही यहाँ पर हम आए हैं। 1 अप्रैल 2012 को है यहाँ पर, आज संडे भी है और सुबह से यहाँ पर आदमियों का लोगों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर वो हमारे अभी अभी वो मस्तान जी भी आए हैं। मस्तान की तरफ दिखा दे रहे हैं जोश से, मस्तान पूरा जोश के साथ ये है पीछे सबसे।
सबसे पीछे है हाँ, उसका मस्तान का एक बार यार क्लोज में फिर देख लेगा जाकर जाकर देखा क्या तुमको वो लग रहा है रुक भाई अरे रुक रुक मस्तान तुम्हारे भी खींच देना चाहिए इसमें हाँ खींच लेंगे हाँ नमस्ते मस्तान क्या हाल है ठीक है चलो मुबारक हो आपको रामनवमी का मुबारक हो नहीं इट्स ऑल राइट गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू कौन कौन ये आप है ये मदर है और कौन कौन है मदर है दीदी है वेरी नाइस गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ओके देन कौन कह रहे हैं यार ये आज के दिन में कश्मीर में बहुत अच्छा था होता था हम सतु पर वर्षा में रहते थे और 1990 में वहाँ से हम छोड़ कर आ गए उनके इस्लामिस्ट जिलेट्स की वजह से जहाँ पर वो बहुत ही मिलिटेंसी हो गई थी 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से आ गए तो हमारे सतु पर वर्षा के पास में बहुत ही अच्छा राम मंदिर था राम मंदिर के पास में हम जाते थे सुबह 9 बजे ही जाते थे और शाम को 11 बजे तक वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वहाँ रहते थे प्रोग्राम रहता था अच्छे अच्छे वहाँ पर गाने और भजन रहते थे और हमको बहुत मज़ा आता था हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाते थे और राम मंदिर में हम रहते थे और वहाँ पर पूरा सुबह से ही हम वहाँ पर पूरी आस्था और पूरी निष्ठा के साथ में पूरा वहाँ पर राम मंदिर में जाते थे जो हमारे घर से करीबन 200-300 मीटर की दूरी पर था सत्थु भरवर्षा में और हमारे जो ग्रैंडफादर पंडित जियालाल खान और जो हमारे उनके भाई पंडित जानकीनाथ खैर और हमारे फादर पंडित प्यारे किशन खेर और मम्मी श्याता खेर भाई और सारे बहन बहन सब इकट्ठा जाते थे पूरा परिवार हमारे 2 मकान वहाँ पर थे जो कि बाद में उनको जला दिया गया उन्होंने मिलिटेंट्स ने जला दिया करीबन 2003 में और हम फिर वहाँ पर जा ही नहीं पाए आज से 22 साल से हम बाहर में हैं और बहुत ही वहाँ पर हमको याद आती है और बहुत मज़ा आता था तो उसी याद को हम फिर दोहराने के लिए और आज मैं फिर यहाँ पर हम पूरा अपना यहाँ पर फिर प्रे करने के लिए और फिर यहाँ पर हम भगवान की शरण में आए हैं और आज अपने यहाँ पर अपनी कृतज्ञता और अपना भगवान को अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं धारी देवी मंदिर में जो कि यहाँ पर पार्वती जी का मंदिर है और मेरे साथ में असवाल जी और शिवल्टी जी भी आज है क्योंकि हमारे साथ में सुबह से आए हैं तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और इनको भी आज रामनवमी का पूरा मुबारकबाद देता हूँ तो हैप्पी ना रामनवमी टू देम आल्सो तो असवाल जी का भी एक मैं उठा लेता हूँ इसी भाग आप सबको हैप्पी रामनवमी और बहुत बहुत मुबारक हो रामनवमी की मुबारक हो बहुत बहुत इधर हाँ कौन है ले लो एक मिनट